नमस्ते। अनि विशेष गरेर आज हामी सिमीडेरा मण्डल गाउँमा हर्टिकल्चर विभागले है एउटा हामीलाई एक दिने मसरुम ट्रेनिङ साथसाथै एउटा जरुरी अवेरनेस प्रोग्राम गरेको छ र विशेष गरी सर्वप्रथम म हाम्रो विभागबाट आउनुभएको एडिएचओ साहब हुनुहुन्छ है र साथसाथै आज हामीलाई मसरुमको ट्रेनिङ दिनुहुने भाइ रमेश भाइ है उहाँ एफएओको एउटा डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ र एउटा फर्मट मसरुम कल्टिभेट गर्ने कृषि पनि हुनुहुन्छ र साथसाथै आज यस प्रोग्रामलाई अब यस कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्ने है यसमा हाम्रो भाइ घनश्याम भाइ हुनुहुन्छ तपाईँको देवताय सबै लेप्चा है खुचिङ भाइ अनि साथसाथै हाम्रो सुजल भाइ र हाम्रो सम्पूर्ण टिम साथसाथै कानन एसएसजी मार्फत यो कार्यक्रम हामीले गऱ्यौँ अनि विशेष गरेर यस कार्यक्रममा आज मजुवा क्षेत्रका जस्तै मजुवा जिपी एकदेखि लिएर 11 वार्डहरू छ र एकदमै यो ग्रामीण एरिया र यो सबै एग्रिकल्चर बेल्ट भएकोले गर्दाखेरि यो क्षेत्र पनि एकदमै ठुलो छ र आजको यो कार्यक्रममा हामीले सम्पूर्ण मजुवा जिपीका सबै कृषि भाइहरू दाजुभाइहरूलाई भेला गरेर यो कार्यक्रम हामीले गरेको छौँ। हाम्रो मेन गरेर उद्देश्य के हो भन्दाखेरि विशेष गरी चाहिँ अब यो हर्टिकल्चर विभाग यस क्षेत्र यस मजुवा जिपीमा सायद भर्खर भर्खर नयाँ मात्रै हो हामीले भर्खर 2-3 महिना छ मात्रै भयो हामीले यो विभाग बारेमा जानकारी पाएको र विगत केही महिना अगाडि पनि हामीले विभागबाट पोलियो हाउसहरूको स्किमहरू लिएर गाउँमा सरको मार्फत हामीले यो गाउँहरूमा बाँडेका छौँ र पोलियो हाउसहरू बनाए पनि साथसाथै धेरै स्किमहरू विभागले अहिले हामीले एउटा सपोर्ट गरिरहनु भएको छ र हामीले धेरै काम कुरो यो विषयमा गरिरहेका छौँ र भेटौँ राहुलजीको बोलने के लिए। एक्चुअली आज जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित हुआ था कानन एसएचजी ग्रुप के द्वारा उसमें डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर को इनवाइट किया गया था यहाँ पर ताकि हॉर्टिकल्चर के बारे में इस क्षेत्र में जैसे कि बहुत आप लोग जानते हैं कि बहुत पॉसिबिलिटी हैं यहाँ पे वेरिएशन बहुत कुछ है लेकिन इन लोगों का एक ही बोलना था कि यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है और अवेयरनेस का पावर क्या है ये तो हम सभी जानते हैं कि अवेयरनेस होने से क्या क्या मतलब हम लोग कर सकते हैं। हमारा मेन उद्देश्य क्या था, हमारा मेन उद्देश्य था फार्मर को इनकम को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, जो भी हम लोगों के पास लैंड है जो भी सामग्री अभी प्रेजेंटली मौजूद है इस मौजूदा सामग्री को हम लोग यूज़ करके खेती पाती करके स्पेशली हॉर्टिकल्चरल खेतीपाती करके हम लोग कैसे हमारा इनकम को हमारा जो आर्थिक व्यवस्था हो उसको कैसे मजबूत कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग पिछले दिन देखा था कोविड टाइम में टूरिज्म सेक्टर स्पेशली बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुआ था क्योंकि घर से निकलना मुश्किल हो गया था तो हम लोगों का जीवन का जो जीविका है वो निर्वाह करने के लिए हम लोग खेतीपाती एकमात्र भरोसा था। कोरोना काल में एक खेतीपाती एक ऐसा सेक्टर था जो बहुत ज़्यादा योगदान दिया था देश की वृद्धि में तो इस चीज़ के लिए हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम में कानन एसएचजी ग्रुप को हम लोगों ने सहयोग किया। आज हमने मेनली कौन कौन सा चीज़ हमने कवर किया वो है आज अपना फार्मर अपना इनकम को लगी जो डिफरेंट स्कीम्स है हॉर्टिकल्चर का उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं, उसमें कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, उसका कैसे उसका लाभ उठाया जाए, इसका मैंने जानकारी दिया। और जो मेन मुद्दा था आज का स्कीम का वो है मशरूम का खेती करके हम लोग कैसे अपना मुनाफा को बढ़ा सकते हैं और इसके लिए हम लोगों ने मैं एक टेक्नोक्रैट होके मैं जो अपना प्रशिक्षण देने का मेरा जो कार्य था वो मैं एक फार्मर जो फार्मर के बीच से उठ के आए आज जो प्रॉफिट उठा रहा है उसके मुंह से मैं बुलवाना चाहता था ताकि ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो सके। इसके लिए हमने लोदमा टू से रमेश छेत्री जी को बुलाया था जिन्होंने हमारे डिपार्टमेंट से सहूलियत पाकर आज एक प्रोग्रेसिव फार्मर बन चुके हैं।
एडिएमसी सरलाई है विशेष आज मजुआ यो सिम्बुङ डेरामा म आएको थिएँ यहाँ प्रणाम एसएलजीको इन्भाइटले गर्दा है र विशेष म आउनुको कारण चाहिँ के थियो भने विगत दुई तिन महिना अगाडिदेखि मैले पनि एउटा मसरुममा होइन म लागि परेको छु र मसरुम एउटा हजार स्क्वायर फिटको जमिनबाट पनि हामीले धेरै मतलब प्रफिट निकाल्न सकिन्छ मसरुम खेतीबाट भन्ने विषय लिएर मैले यहाँनिर भन्नुको निमित्त फार्मर्सहरूलाई एउटा चेतना दिनुको लागि म आएको थिएँ र विशेष के छ भने मसरुम एउटा सर्ट टर्म एउटा खेती हो है यसले मा कृषकको एउटा आर्थिक उन्नति गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हाम्रो एक जग्गामा हर्टिकल्चर विभाग म सरहरूको माध्यमबाट हामीले धेरै मुनाफाहरू बटुलिसकेका छौँ धेरै हाम्रो एउटा आर्थिक उन्नति हुँदैछ र त्यही उन्नति चाहिँ यहाँ पनि होस् भन्ने कारणले गर्दा हामी आएको थियौँ र विशेष त्यो आज एउटा प्रोग्राम राम्रो एउटा मजाले नै यहाँको फार्मर्सहरू पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ आउँदो दिनमा यहाँबाट पनि एउटा मसरुम च्याउ खेतीमा सबैले एउटा इच्छा जगाउनुहुन्छ भन्ने आशा साँचेको छु।